नहीं, इससे साबित होता है कि ये हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना हजार करोड़ पर खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, इससे साबित होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। केवल धन बल और सत्ता के बल पर चुनाव जीते हैं। 18-18 बिजनेस मंत्री, 8-8 10-10 राज्यपाल, अमित शाह जी यहीं दसियों दिन कैंप किए 15 दिन, मोदी जी 3 दिन 4 दिन यहाँ आ गए, रात रात को रात रुके, उसके बावजूद ये हालत हो गई। समझ सकते हैं कि जनता का स्नेह प्यार अपने बेटे अपने भाई अजय राय के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर से जो ये मुझे आज जो जो मिला है मताधिकार, ये जीवन पर्यंत मैं काशी की जनता का आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। जब तक सांस में सांस रहेगी जनता की सेवा करता रहूंगा, उनके लिए समर्पित रहूंगा। नहीं, जीत कहाँ है भाई, मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में, मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे, काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ है। अरे भाई ये तो पूछिए उनसे कि 10 लाख पार कहाँ था। मैंने पहले कल ही कहा था 10 लाख पार कुछ नहीं, 400 पार झूठी बातें हैं, केवल झूठी बात करते हैं। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है हम लोगों के ऊपर, उनके भक्त है। माँ गंगा की पावन तट पर हम लोग रहने वाले लोग, माँ गंगा की गोद में रहने वाले लोग, तो जो चीज़ें सही बात समझ में आ गई लोगों को कि काशी का बेटा काशी के साथ खड़ा रहेगा, सुख दुख का साथी है, ये गुजराती गुजरात से नहीं आया है और ये कोई ठगने नहीं आया है काशी के लोगों को। सारा काम गुजरात के लोगों को दे दिया, सारे धंधे व्यापार काम सब काम गुजरात के लोग यहाँ करते हैं। मैं निश्चित तौर से काशी के लोगों से धन्यवाद दूंगा और काशी के लिए आखिरी सांस तक समर्पित रहूंगा। और ये मोदी जी पिछली बार से बहुत कम वोट से जीते हैं, उनकी नैतिक हार है और ये हमारी नैतिक जीत है। अब आप देख लो कि भाई आपकी डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर राहुल गांधी जी 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। ये साबित करता है कि राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में राहुल जी की फैन फॉलोइंग मोदी से बहुत ज़्यादा है, उनको जनता प्यार करती है, उनको अपने परिवार का भाई बेटा समझती है। मोदी बनारस के अंदर 1.5 लाख से जीतने में पसीने फेंक दिए, रायबरेली से 4 लाख वोट से ज़्यादा राहुल जी जीत रहे हैं। ये साबित करता है कि राहुल जी की लोकप्रियता इस देश के कोने कोने में, और अमेठी जो उनका पारिवारिक रिश्ता है वहाँ से रायबरेली भी जीते। आप देखिए जो बड़ी बड़ी बात बोलती थी स्मृति ईरानी, आज वो भी अब मुझे लगता है कि गोवा चली जाएगी, वहाँ गोवा में जाकर अब अपना होटल का काम करेगी। नहीं, कई कैबिनेट है, जब प्रधानमंत्री हालत खराब हो गई, प्रधानमंत्री को जीतने के लिए पसीने आ गए, अंदाज लगा सकते हो कि पूरे देश में इनकी पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। ये केवल पैसे के बल पर और सत्ता के बल पर ये सत्ता राजनीति कर रहे हैं, दबाव और केवल डरवा कर सीबीआई ईडी जेल भेजकर ये राजनीति किया। इन्होंने दिल जीत कर राजनीति नहीं किया, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने, लोगों का दिल जीता, लोगों के साथ खड़े रहे, कोरोना के काल में सर पे कफन बांध कर लोगों की सेवा की, लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। वो जनता ने दिया है मुझे आशीर्वाद और ताकत के साथ जनता की सेवा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी कोमा में हो गई है, उनके सारे नेता कोमा में चले गए, उनके कार्यकर्ता परेशान हैं। पटाखा बनारस में इकट्ठा किए थे, लड्डू बनवा रहे थे, सब धरा रह गया ना, लड्डू पटाखा बांटो और समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। जनता अपने भाई बेटे के साथ खड़ी है, फर्जी पटाखा फर्जी लड्डू नहीं काम करता, दिल में होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तब चीज़ें होती हैं।